अब मैं आपको बड़े मज़े की एक चीज़ दिखाता हूँ। वो उधर मेरी एक गाड़ी खड़ी है और वो बड़ी स्पेशल गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे फादर ने मुझे बना के दी है और उसके अंदर बहुत मज़े की चीज़ें, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। आए मैं शिकार करने जाता हूँ। लाओ इसकी चाबी। ये गाड़ी है और ये पहले ऐसे छोटी गाड़ी थी, जैसे वो गाड़ी खड़ी है ना, जैसे वो डबल केबन गाड़ी ये खड़ी है, ये वैसी होती थी। फिर मेरे फादर ने और उनके एक दोस्त हैं डॉक्टर सुहेल, उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया और इसकी जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो सारी मेरे फादर ने की हैं और ऊपर जो वो केबन और ये सब बनाया वो मेरे फादर के दोस्त हैं डॉक्टर। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, बहुत मजे का। जब मैं शिकार खेलने जाता हूँ ना तो जंगल में जगह कोई नहीं होती रहने के लिए, तो जंगल में रहने के लिए, क्योंकि शिकार खेलते हैं, जंगल होता है, तो फिर वहाँ मैं इसके अंदर रहता हूँ। ये एक चूल्हा है, इस पे हम खाना वाना पकाते हैं और यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाता है बाहर, और ये इसका पानी का सिस्टम है यहाँ पे। ये मेरा वॉशरूम है और वॉशरूम भी आपको भी दिखाते हैं। और ये कबर्ड है, इसमें कपड़े और बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। और ये इसमें हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए एलसीडी भी लगाया हुआ है, अगर कोई मूवी शूवी देखनी है या कुछ, मैं तो नहीं देखता लेकिन बच्चे अगर कभी हों तो वो। और ये जो है वो इसमें हमने ओवन भी लगाया हुआ है और फ्रिज भी लगाया हुआ है। और ये भी बेड बन जाता है, ये वाला जो है इसको नीचे कर लेते हैं और इसके ऊपर वो फोम आ जाता है, ये भी बेड बन जाता है। और ये सारी कबर्ड्स हैं, इनमें मैं अपनी चीज़ें रखता हूँ और यानी इसको हम यहाँ से लॉक कर लेते हैं, ये तमाम लॉक हो जाते हैं। एक बेड मेरा वो सामने, वो कैमरा की बैक साइड पे दिखाएं जी, वो भी दिखाएं। कैमरा की बैक साइड पे वो भी एक बेड है और यहाँ पे भी एक बेड बन जाता है, तो चार लोग इसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। वॉशरूम की लाइट भी ऑन हो गई और ये लाइट ऑन हो गई वॉशरूम की, और ये इस तरह से यहाँ पे सारा निज़ाम बाथरूम का भी है। तो ये जंगल में हमें एक छोटा सा घर मिल जाता है रहने के लिए। ये बनाने में कितना खर्चा है? मैंने पूछा था अपने अब्बू से तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम जो वो फल खाओ पेड़ ना गिनो। तो मैंने फिर उनसे नहीं दोबारा पूछा, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो अंदाज़ा है इसके ऊपर 25-30 लाख रुपया तो उनका लगा होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा बना है पाकिस्तान में और इसको उन्होंने कुछ 10 दफ़ा तोड़ के बनाया है, बार बार तोड़ते थे फिर बनाते थे। तो वो काफ़ी मेहनत उन्होंने की, उनके दोस्त ने भी। तो फाइनली उन्होंने ये बनाकर मुझे लास्ट ईयर, एक साल और कुछ 3-4 माह हो गया, उन्होंने मुझे दे दिया था। दुनिया भर में टूर्स के लिए ट्रैवलिंग वैन्स इस्तेमाल करने का रुझान आम है। मुख्तलिफ साइजेस और मुख्तलिफ तरह की ट्रैवलिंग वैन्स न सिर्फ लोगों ने वीकेंड टूर्स के लिए ज़ाती तौर पर ख़रीद रखी हैं, बल्कि मुख्तलिफ कंपनी से ये गाड़ियाँ किराए पर भी हासिल की जा सकती हैं। इमरान खान की गाड़ी की 2 ख़ास बातें हैं। एक तो ये कि छोटी साइज़ की गाड़ी में तमाम सहूलियात मैनेज की गई हैं। सफ़र के दौरान ज़रूरत की हर चीज़ इस गाड़ी में मौजूद है और इस खूबसूरती से एडजस्ट की गई है जैसे एक छोटा सा मुकम्मल घर हो। इस गाड़ी की दूसरी ख़ास बात ये है कि ये ट्रैवलिंग वैन्स बनाने वाली किसी कंपनी से तैयार नहीं कराई गई, बल्कि इसे इमरान खान के वालिद ने अपनी महारत और बार बार की कोशिश के बाद तैयार किया है। इमरान खान इस गाड़ी को अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिकार का शौक रखने वाले जानते हैं कि शिकार का पीछा करते हुए 2-2, 3-3 दिन जंगल में गुजारने पड़ते हैं। अगर सुबह सवेरे शिकार करना हो तो रात को शिकारगाह पहुंचना पड़ता है। ऐसे में जंगल या पहाड़ों में रिहाइश शिकारी का सबसे बड़ा मसला होता है। लिहाजा अगर एक ऐसी गाड़ी आपके पास मौजूद हो जिसमें किचन से लेकर वॉशरूम तक, कपड़ों की अलमारी और फ्रिज से लेकर सोने के बिस्तर तक हर चीज़ दस्तयाब हो, तो काम आसान भी हो जाता है और इंसान कुदरती माहौल में रहकर फितरत के करीब भी रह सकता है। यानी अब खैमे लगाकर जंगल में रहने और जंगल पानी करने की ज़रूरत नहीं। एक ट्रैवलिंग वैन सारा काम आसान कर सकती है। तो कैसी लगी आपको इमरान खान अंकल की गाड़ी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इमरान खान पसंद है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। बाय बाय।